आप बैठ क्यों नहीं जाते? आपके लिए खास तौर पे गोश्त पकाया गया है। मैं आपके साथ नहीं बैठना चाहूंगा। एक वो वक्त भी था जब तुम्हें हमारा शहर भी पसंद था, अब हमारे दस्तरखान को भी नजरअंदाज करोगे वरान। आपको हर साल मेरी वजह से उस्मानियों से माकूल मुआवजा मिलता है। बहुत कीमती हैं आप हमारे लिए। मैंने आपको बुलाया है यहाँ मुस्तकबिल की बात करने के लिए। इधर में से आने वाली खबर क्या है? वजीर आजम जानदार खलील पाशा ने हमें एक खत भिजवाया है और खत में लिखा है कि सुल्तान मुराद मर चुका है। उस शख्स को तो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इस खबर को हम तक पहुंचाने का मकसद ये हुआ कि वो आपको इधर ना बुला रहा है। जानदार खलील ने मनी से भी खबर भेजी होगी। अगर मोहम्मद के पहुंचने से पहले हरकत में ना आए हम तो मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत नहीं है जल्दबाजी की। हर साल तुम्हें मिलने वाले 300 सिक्कों की कीमत बढ़ाई हूँ या तुम्हें बादशाह बनाए, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मोहम्मद का एक ही ख्वाब है और वो है कुस्तुनतुनिया को हासिल करना। जबकि तख्त हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर मैं तख्त नशीन हुआ तो सुल्तान मुराद के साथ किए हुए वादे इसी तरह चलते रहेंगे। अब अजमतियों की उंगलियों पर नाचने वाले शहजादे और उस्मानियों के भी, और अगर वो आपको मानने का मनसूबा बनाने हुए तो अगर तख्त मुझे ना मिला तो ना तो जानदार खलील का सर रहेगा और ना ही बाकी गुजरा का। जानदार अंदरूनी तौर पर गलबा आने की इजाजत देने से कम है। वो चाहेगा कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने, क्योंकि शोर हमेशा जानदार की मदद करते हैं। तख्त संभालना जैसे ही अच्छा आईने, अगर तुम सुल्तान बन जाते हो तो आपका अपनी सरजमीन की तरफ सियासी शादी करके लौटना जानदार को अच्छा लगेगा और दोनों तरफ के लोगों को फायदा होगा इससे। किसके लिए सोच रहे हैं बादशाह? एलेनी, आपकी बेटी एलेनी। मेरा नहीं ख्याल कि एलेनी का इंतखाब दुरुस्त हो सकता है बादशाह। जानदार खलील, बाज़ंदीनियों के लिए आपकी अहमियत अच्छी तरह से जानता है, तो जल्दी से जाओ और अपनी बेटी को लेकर आओ। सफर पर निकलने के लिए देर हो रही होगी। जो आपका हुक्म बादशाह। तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा बुरहान, अभी बादशाहत नहीं मिली आपको, कैदी हैं आप हमारे। आज के बाद मैं नहीं बल्कि जब कैद में होगा वो आप होंगे। शहजादे औरहान, दिल चाहता है जसारत को सलाम पेश किया जाए। चाहिए आपको इजाजत है? इस पर नजर रखो। मैं कले के नक्शे का मसला हल कर चुकी हूँ बाबा, कल इसे मेहमानों के सरदार मार्कोस को दिखाना होगा और फिर देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।